नमस्कार दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं प्रिस्टाशोक मॉड्यूल डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक बातें आप ध्यान में रख लें कि इस पूरे सीरीज के दरमियान हम प्रिस्टाशोक 1742 वर्जन का इस्तेमाल करेंगे और हम ये समझकर आगे बढ़ेंगे कि आप प्रिस्टाशोक से वाकिफ हैं। हम यहाँ पर सिर्फ मॉड्यूल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, ना कि प्रिस्टाशोक के बारे में। हम पूरा फ्लो समझ लेते हैं कि कैसे हमें काम करना है। तो हम एक एक चैप्टर की तरह जाएंगे। हम बहुत ही बेसिक टास्क से शुरू करेंगे और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। मतलब जब ये सीरीज कंप्लीट होगी तब आपको एक कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल बनाना आ गया होगा। हर वीडियो में हम कोई एक फीचर के बारे में बात करेंगे ताकि आप एक ऑर्गेनाइज वे में सब कुछ सीख सकें। फिलहाल मेरे पास प्रिस्टाशोक का 1.7.4.2 वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है। मैं उसके मॉड्यूल सेक्शन में हूँ और यहाँ पर हमें एक नया मॉड्यूल इंस्टॉल करना है। मतलब हमें यहाँ पर नया मॉड्यूल बनाना है। हम उसका नाम रखेंगे मल्टीपर्पज। अभी मुझे और कोई नाम सूझ नहीं रहा था और वैसे भी हमें एक से ज़्यादा फीचर्स ऐड करने हैं, तो बहुत ही अच्छा नाम लगा मुझे, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ मॉड्यूल के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पर कौन सा फोल्डर बनाना है और फाइल का नाम क्या रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पर मैंने प्रिस्टाशोक इंस्टॉल किया हुआ है, मैं उसके मॉड्यूल फोल्डर में जाऊँगा और जो भी मुझे मॉड्यूल का नाम रखना है उसी नाम का मैं यहाँ पर फोल्डर बनाऊंगा। तो मैं इस फोल्डर का नाम रखूंगा मल्टीपर्पज। कुछ स्ट्रिक्ट नियम है जो आपको याद रखने होंगे। आप फोल्डर का जो नाम ले वही आपको मॉड्यूल की फाइल का नाम रखना है। मतलब अगर मैं मॉड्यूल की मेन फाइल बनाऊंगा तो मैं उससे नाम दूंगा मल्टीपर्पज डॉट पीएचपी। बस इतना ही बेसिक है। अगर आपको सिर्फ कोई बेसिक फीचर्स डालना है तो एक फाइल काफी है, लेकिन मैंने कहा कि हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत एडवांस तक जाएंगे। तो हम आज पूरे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके मॉड्यूल में कुछ डिज़ाइन है, मतलब आप प्रिस्टाशोक के फ्रंट में कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं, आप मॉड्यूल के कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में कुछ एचटीएमएल डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्मार्टी की टेम्पलेट फाइल लेनी होगी और उसे रखने के लिए प्रिस्टाशोक के मॉड्यूल में कुछ खास जगह है, मतलब एक डिरेक्टरी होती है जहाँ पर उसे आपको रखना है। तो उसके लिए आपको एक फोल्डर बनाना है व्यू, हम नाम देंगे व्यू। उसके अंदर आप मॉड्यूल के लिए जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टाइल रख सकते हैं। उसके लिए आपको एक सीएसएस फोल्डर बनाना है। देखिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक प्रिस्टाशोक का एक कोर स्टैंडर्ड है जो आपको फॉलो करना है। जावास्क्रिप्ट के लिए जेएस, अगर आपके मॉड्यूल में कोई इमेज इस्तेमाल होने वाली है तो आप उसके लिए आईएमसी फोल्डर बना सकते हैं। और सबसे जरूरी, अगर आप कुछ एचटीएमएल डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेम्पलेट्स सॉरी टेम्पलेट इससे आगे आप जो भी डिजाइन आप एडमिन सेक्शन में दिखाना चाहते हैं उसके लिए आपको फोल्डर का नाम रखना है एडमिन। दूसरी बात, अगर आपको कोई चीजें किसी ऊपर दिखानी है तो उसके लिए हम नाम रखेंगे ओक। और आपको एक नया ही पेज बनाना है प्रिस्टाशोक के फ्रंट में तो हम उसके नाम देंगे फ्रंट। तो ये बात हुई सिर्फ व्यू फोल्डर के बारे में। अब समझ लीजिए कि आप मॉड्यूल इंस्टॉल के दरमियान कुछ एसक्यूएल मतलब कुछ क्वेरीज एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फोल्डर बनाएंगे एसक्यूएल। और हमारी जो भी एसक्यूएल फाइल होंगी हम इसके अंदर रखेंगे। अगर आप मॉड्यूल के अंदर कुछ ऐसी फैसिलिटी डालना चाहते हैं कि आप प्रिस्टाशोक में नए पेज डाल सके, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट कंट्रोलर बनाना पड़ता है। तो उस कंट्रोलर के लिए हम कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर बनाएंगे। अब कंट्रोलर्स दो तरह के होते हैं, या तो आपकी बैक ऑफिस के लिए है या फ्रंट ऑफिस के लिए है। अगर फ्रंट ऑफिस के लिए है तो उसके लिए आपको फ्रंट नाम का फोल्डर बनाना है। अगर वो एडमिन सेक्शन के लिए है तो आपको
एडमिन नाम का फोल्डर बनाना है। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, हम इस मॉड्यूल के अंदर जाते हैं, हमारे पास एक मेन फाइल है, एक व्यूज फोल्डर है जिसके अंदर हम स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट और इमेजेस रख सकते हैं। इसके अलावा एचटीएमएल के लिए हम कुछ टेम्पलेट फाइल बनाएंगे। तो टेम्पलेट फोल्डर अगर वो एडमिन कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन के लिए है तो फिर एडमिन, अगर वो एडमिन कंट्रोलर के लिए है तो वो एडमिन में रहेगा, अगर वो फ्रंट कंट्रोलर के लिए है तो फ्रंट में रहेगा, और आप किसी पिस्टा शॉप हुक के लिए कुछ बना रहे तो वो हुक फोल्डर के अंदर रहेगी फाइल्स। ये था स्ट्रक्चर। अगर आपको कुछ क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो उन फाइल को हम एसक्यूएल फोल्डर में रखेंगे। देखिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, आप सब कुछ एक ही फोल्डर में रख सकते हैं। यहाँ पर आप रूट फोल्डर में सब कुछ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा किया तो आपको सबके पाथ मैन्युअली सेट करने पड़ेंगे, और ये हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम जो मॉड्यूल बनाएंगे वो एक स्टैंडर्ड प्रिस्टाशॉप मॉड्यूल होगा जिसे आप प्रिस्टाशॉप के एडवांस स्टोर में रखकर बेच भी सकते हैं कि उस क्वालिटी का होगा। अब बात करते हैं, आप देख लीजिए कि यहाँ पर हर मॉड्यूल के लिए एक लोगो है। तो मॉड्यूल के कोडिंग के दरमियान हमें लोगो के लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जहाँ पर आपका मॉड्यूल का मेन फोल्डर है, मतलब जहाँ पर मेन फाइल है, वहाँ पर आपको logo.png नाम की एक फाइल रख देनी है। फिलहाल मेरे पास एक फाइल है, मैं उसे वहाँ पर रख देता हूँ। आपको उसे नाम देना है logo.png। मैंने कहा ना कि एक ऑर्गेनाइज वे होता है, तो अगर हम यहाँ पर logo.png नाम रख के फाइल ले लेते हैं तो प्रिस्टाशॉप खुद ब खुद उस लोगो को हमारे मॉड्यूल के लोगो के लिए ले लेगा। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास मॉड्यूल का पूरा स्ट्रक्चर है, एक मेन फाइल, एक व्यूज फोल्डर जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट, स्टाइल शीट और इमेज और टेम्पलेट्स और उनके लिए सब फोल्डर्स और कंट्रोलर्स, अगर हम फ्रंट के लिए बना रहे हैं तो फ्रंट, एडमिन के लिए बना रहे हैं तो एडमिन, यहाँ हम दोनों के लिए बनाएंगे। लेकिन इसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं होगी, हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, तो हमारा कोड बहुत बेसिक होगा। इसके बाद जब जब हमें ज़रूरत होगी तब हम हर फोल्डर में अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंटेंट डाल लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब पूरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। अगले ट्यूटोरियल में हम मॉड्यूल के लिए जो बेसिक कोड है और लिखेंगे, ताकि हम अपने मॉड्यूल को प्रिस्टाशॉप की बैक ऑफिस में देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, और अगर आप पूरी सीरीज के वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें। थैंक यू।